हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर फेवरेट शो आरोग्य मंत्र दिस इज योर होस्ट एंड दोस नीरजा वात यानी कि वायु वात हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के मूवमेंट के लिए रिस्पांसिबल है वात के कारण हमारे शरीर के धातुओं का पोषण होता है और वात के ही कारण मल विसर्जन होता है तो कैसे रख सकते हैं हम इस वात माता को खुश आइए जानते हैं ये राज की बात विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉ प्रताप चौहान से डॉक्टर साहब नमस्कार नमस्कार जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में धन्यवाद और डॉक्टर साहब आज हम आपसे बात करेंगे वात माता के बारे में जी। क्योंकि आप हर बार हमें समझाते हैं कि वात को माता का दर्जा दिया गया है हम फिर से समझेंगे कि वात को ऐसा माता का दर्जा क्यों दिया गया है और वात के क्या क्या रोल होते हैं हमारे शरीर में जी लेकिन उससे पहले मैं याद दिला दू हमारा नंबर क्योंकि हमारे बीच आ गए हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान और हमारे आयुर्वेदा गुरु अगर आपके जहन में है कोई भी सवाल तो आप निसंकोच फोन उठाइए और डायल कीजिए हमारा नंबर जीरो वन टू नाइन फोर जीरो फोर जीरो फोर जीरो फोर जी डॉक्टर साहब तो सबसे तो पहले आप हमें यही समझाइए कि वात क्या है क्या परिभाषा है बात की देखिए पहले तो जैसे आपने शुरुआत की कि वात माता में कहता हूँ तो मैंने ये कि कोई ऐसा नहीं कि बात कोई माता है लेकिन दर्शकों को समझाने के लिए कई बार मैं कुछ साधारण शब्द लेता हूँ तो मैंने जैसे कई बार कहा है वात हमारी मात है पित्त हमारे पिता कफ़ हमारे दादू हैं फिर काहे है की चिंता सुबह शाम जो करेगा इन तीनों को प्रणाम सुख शांति घर आएगी रोगों का काम तमाम बहुत अच्छा एक साधारण सा दोहा मैंने तैयार किया है और उसका कारण ये है कि वात माता क्यों कहते हैं कि वात जो है वो हमारे शरीर में हर चीज़ की गति कराती है वात की परिभाषा ये है कि जो गति कराए जिस प्रकार से अगर एक टिपिकल एक फैमिली का उदाहरण लें तो उसमें जो मदर होती है माता जी जो होती हैं वो सारे घर की गति कराती हैं किचन की गति उनसे होती है बाहर के घर की, की गति जो भी कुछ घर में हो रहा है अगर वो बीमार पड़ जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें रुक जाती हैं बिल्कुल खाना नहीं बनेगा कपड़े साफ नहीं होंगे और आपका जो है घर में कई चीज़ें रुक जाएंगी है ना तो इसी प्रकार से अगर बात हमारी बीमार हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें रुक जाएंगी हमारे शरीर के अंदर थोड़ा सा समझाने की दृष्टि से कई बार टेक्निकल शब्द हैं बहुत ज़्यादा अगर हम उसका शास्त्रीय विश्लेषण करें तो समझ में नहीं, आता नहीं लेकिन आपने बहुत अच्छा कम्पेरिजन किया है क्योंकि इस कम्पेरिजन की वजह से ही हर कोई बंदा इस बात को ध्यान रख सकता है जी डॉक्टर साहब हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आइए पहले उनसे बात करते हैं नमस्कार जी हेलो हेलो हाँ जी वेलकम टू आवर शो आरोग्य मंत्र अपना नाम बताइए जी मेरा मेरा नाम नाम चौहान है कहाँ से बोल रहे हैं आप जी मैं बिजनौर से बिजनौर बिजनौर से पूछिए डॉक्टर प्रताप चौहान से अपना क्वेश्चन हेलो हाँ जी नमस्कार नमस्कार सर बताइए जी सर एक्चुअली जी मोबाइल का एक्चुअली जी काफी प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की ज्यादा प्रॉब्लम है मुझे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है हाँ अच्छा कितनी पुरानी प्रॉब्लम है ये छह महीने छह महीने पहले बहुत पुरानी छह महीने पहले हाँ जी काफी ज्यादा मुझे मेरा लाइफ काफी बहुत ज्यादा बिजी हो गया था तो सभी से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और वो रिकवर नहीं हो पा रही है और मेरी जो है 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 उसमें रहती कभी कभी कम हो जाती है, हो जाती जाती ज़्यादा नहीं तो जब कॉन्स्टिपेशन जो आप कह रहे हैं उसमें क्या होता है आपको मोशन नहीं आता था हाँ, मोशन नहीं, मोशन नहीं बहुत बहुत अच्छा आठ तो तो आठ दस दिन तक मोशन नहीं आता था हाँ, हाँ, पहले की बात है और अब अब कितने दिन में आता है अब तो डेली आता है लेकिन अच्छा भूख कैसी लगती है भूख वेरिएबल लगती है ऐसे अद... अच्छा। कभी तो ठीक हो जाते हैं कभी मौसम चेंज हो जाता है तो वो कम हो जाती है कभी भूख ठीक लगती है अच्छा।, अच्छा और जो आपको जो है मल पास होता है वो हार्ड होता है स्टूल आपका है लूज होता है कैसा होता है कभी कभी तो हार्ड आता है अच्छा देखिए जो आप बात कर रहे हैं आज हम वात की बात कर रहे हैं और वात के साथ ही ये रोग आपका जुड़ा हुआ है वात जो है हर चीज़ को मूव कराती है और जब किसी प्रकार की मूवमेंट में कहीं बाधा आती है तो सबसे पहले हमारा संकेत जाता है कि वात प्रकुपित हो गई हमारी और वात का मतलब क्या है कि ड्राइनेस खुश्की आंतों में खुश्की आंतों में ड्राइनेस आने से आपको फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो उसमें आम तौर पर हम जो है कुछ स्निग्ध पदार्थ बताते हैं खाने के लिए कई बार लोग क्या करते हैं कोई चूर्ण ले लेते हैं कि चूर्ण ले लें उससे शायद मोशन आ जाएगा लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब अंदर खुश्की ज़्यादा है तो चूर्ण जो है वो भी ड्राई है तो उससे भी कई बार खुश्की बढ़ जाती है जा से बताया हाँ मैं वही बता रहा हूँ ना आपको क्योंकि आपसे आपको मैं एक चीज़ और अच्छी बता रहा हूँ आप तो जो तो है थोड़ा तो सा स्निग्ध आहार लें यानी कि जो भोजन लें उसमें थोड़ा सा जो है तरीदार भोजन लें अगर अच्छा गाय का घी हो तो थोड़ा घी डाल करके खाएं दूध रात को एक कप जरूर पिएं गरम गरम और चाहें तो उसमें भी आधा चम्मच घी मिला करके आप पिएं ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन आपको फील हो तो ऑयल आप ले सकते हैं देखिए आपको समझना यह है कि कौन सा दोष प्रकोपित है त्रिफला तो तीनों दोषों को ही ठीक करता है त्रिफला कोई खराब चीज़ नहीं है ले सकते हैं उसको लेकिन कई बार जो है अगर उससे आपको पूरी तसल्ली नहीं हो रही है जैसे आपने कहा कि पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है तो थोड़ी स्निग्धता आपको शरीर में लानी पड़ेगी अपनी नाभि के ऊपर जो है थोड़ा आप तेल की मालिश करिए नाभी के नीचे का जो हिस्सा है जिसको हम अपान वात का एरिया बोलते हैं वहाँ पर थोड़ा तेल की मालिश करिए गर्म पानी में तौलिया डाल करके थोड़ा निचोड़ करके उससे सिकाई करिए क्योंकि वात जो है वो शीत और रूक्ष उसके गुण हैं तो हमें उष्ण और स्निग्ध ये उसका उपचार है सिंपल है बिल्कुल जो उसके गुण हैं उसके विपरीत हमें उसको करना है ताकि वो शांत हो जाए और अपना जो काम उसको करना चाहिए वो काम शुरू कर दे तो ये चालू रखिए साथ में कोई और तकलीफ होती है तो हमें ज़रूर बताइए हम आपकी सेवा में कुछ और भी चीज़ें आपको बताएंगे और जब रोग अगर पहले से बेहतर हो ही चुका है आपका ऑलरेडी आप कह रहे हैं पहले आठ दस दिन में आप मोशन जाते थे अब रोज़ जाते हैं लेकिन पूरी तसली नहीं होती तो मुझे उम्मीद है इससे फर्क ठीक है जी तो जो भी बातें आपको डॉक्टर चौहान ने बताई हैं आप उनका आज से पालन करना शुरू कीजिए और कुछ समय बाद हमारे डॉक्टर से भी संपर्क कीजिए हमारा नंबर है जीरो वन टू नाइन फोर जीरो फोर जीरो फोर जीरो फोर तो दोस्तों अगर आप इस आयुर्वेद रूपी सागर में और गोता लगाना चाहते हैं डूबना चाहते हैं तो कहीं मत जाइएगा हम आपसे मिलेंगे इस ब्रेक के बाद